हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज का मैं ब्लॉग डालने जा रही हूँ। आज जा रही हूँ डिनर के लिए अपने फैमिली के साथ, और फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे हो गए हम सब रेडी, और अभी हम लोग अब निकलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरे पति देव जी भी रेडी हो चुके हैं, मेरे दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। बस अर्थी हम लोग आना नहीं चाहते हैं। देखिए, वो इसको पकड़ के लाए हैं और इसको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब चल मिलते हैं आपसे रेस्टोरेंट में। बाय। सो गाइस, हम लोग अब चल दिए हैं अपना नाइट डिनर के लिए। काफी अंधेरा है, लॉक हो रहा है, और हम लोग चल दिए हैं डिनर के लिए। कौन सा रेस्टोरेंट जा रहे हैं? सत्कार जा रहे हैं, वहां से फिर हम आपको मिलते हैं बाद में। सो गाइस, फाइनली कि हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये है बनारसी होटल, लेकिन हम बोले थे सत्कार होटल, इसलिए मेरे पति देव जी ने गए हैं पता करने कि वहाँ है या सुविधा या नहीं है। अगर यहाँ होगा सुविधा तो हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और नहीं तो फिर आगे जाएंगे। ठीक है। सो गाइस, मेरे पति देव जी ने आ गए हैं बात करके। क्या हुआ? देसी चिकन का ऑर्डर दे चुके हैं, 700 रुपया यानी है बनाए वगैरह। तो चलिए अभी हम यहीं पे बैठते हैं, क्या होता फिर देखते हैं आपसे, फिर मिलते खाते पीते टाइम में। सो गाइस, मेरे पति देव जी यहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग को लेने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा दोनों बच्चे लोग यहाँ पे अपना स्कूटी स्टार्ट करके और निकल रहे हैं। बस आते हैं रोड में, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्लो मोशन में जा रहे हैं। देखिए, जैसे देख सकते हैं आप सभी, तो यहाँ स्टार्ट कर चुका है। मेरा छोटा वाला बेटा गाड़ी चला रहा है, और मेरे पति देव जी भी चल रहे हैं। फिर हम लोग सब से चलते हैं अब रेस्टोरेंट की तरफ। तो हम लोग रोड क्रॉस कर चुके हैं, अब घुसते हैं फिर होटल के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हम लोग जाने वाले थे सत्कार, पर मेरे पति देव जी ने बोला कि चलो बनारसी होटल में लेकर के चलते हैं, वहाँ का भी खाना काफी अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग देखे, और नीचे ऊपर देखिए केबिन का तरह रैशनल टाइप से बना हुआ था, रूम जैसा था। तो हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है रूम, तो भीड़ भाड़ से तो बेटर है कि अपने फैमिली में जाओ, आप लोग क्या खा रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो, कोई प्रभाव नहीं। हम लोग अच्छा लगा ये रूम, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के बैठ गए। जिस तरह भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बनारसी रेस्टोरेंट है, देसी मुर्गा का चिकन का ऑर्डर किए हुए बनने के लिए बन रहा है। फिलहाल हम अभी हाफ प्लेट कचुम्बर मंगवाए हैं और एक प्लेट मंचूरियन मंगाए हैं, कि जब तक देसी मुर्गा बन रहा है तब तक फिलहाल हम लोग का जो मुंह है चलते रहे, वो भी आ रहा है। यही है झारखंड का पहचान, कि खाते पीते रहो और ऐश करते रहो। सो गाइस, यहाँ पे हमारा आ चुका है कचुम्बर, और उसको हम लोग चारों में डिवाइड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इसमें काफी मात्रा में बादाम है, और चना है, प्याज है। इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा रेसिपी है, हम आपको देख के यानी फुल नोटिस करके बताएंगे कि क्या क्या इसमें ऐड है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा वेज मंचूरियन। ठीक है, ये वेज का बना हुआ मंचूरियन है। तब इसको एक प्लेट मंगवाए हैं, तब इसमें हम चार डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट आपको बताते हैं कि कैसा है। सो
और जाहिर सी बात, अगर अच्छा होगा तो आप तो ये बोले कभी आप यहाँ अगर झारखंड में आए तो यहाँ इस होटल में आप जरूर एक बार आ करके ट्राई करें, वेज मंचूरियन कैसा लगता है। अच्छा है, अच्छा है। फाइनली कभी भी आइए आप यहाँ पे तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए वेज मंचूरियन कैसा बना हुआ है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ना है। अभी तक देखिए हम लोग खत्म कर चुके हैं अपना मंचूरियन। ठीक है, देखिए हम लोग भी देखिए कैसे चाट चाट के खा रहे हैं। कैसा लग रहा है मंचूरियन का टेस्ट, कैसा है? बहुत ज्यादा है, स्पाइसी है। हाँ, लाजवाब है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लगभग खत्म हो चुके हैं। हमें पीछे हम बहुत लेट से खाते हैं, इसलिए मेरा अभी तक बचा हुआ थोड़ा सा। इनको पूछते हैं आपको कैसा लगा। हाँ, काफी सुंदर, काफी स्पाइसी, मन को फ्रेश कर देगा। आपको तबीयत खराब है, बुखार है, मन फ्रेश नहीं लग रहा है, एक बार खाइए, खाइए मन को फ्रेश करके रहेगा। इसका तो कोई जवाब नहीं है, ऐसा पेशी दे बता रहा है कि इसको कितना टेस्टी लगा। तो एक बार आप सब भी आ करके एक बार ट्राई कर ही सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग झारखंड में रहते हैं तो जिस हिसाब से हम लोग खाने पीने में आगे रहते हैं, तो उस तरह से हम लेकर भी चल सकते हैं खाने पीने के चीज के लिए। हम लोग कितना लाजवाब ही रहते हैं, तो आप सभी भी आइए एक बार खा करके जाइए। वाह। सो गाइस यहाँ पे देखिए आ चुका है हमारा देसी चिकन, बिल्कुल शानदार तरह से। इसका जो दिखने में काफी अच्छा इसका गार्निश किया हुआ था, बहुत अच्छा। ऊपर से कुछ यानी कि मेरे ख्याल से अंडा का बुरादा डाला हुआ था, देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो अब इसको हम लोग को प्लेट में लेके सर्व करने का जरूरत है और रोटी के साथ इसको खाने की जरूरत है। फिर देखते हैं क्या लगता है इसके, अब रोटी के साथ सर्व करते हैं। थोड़ा सा आप बच्चे का है।